दोस्तों आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ कुछ जोक्स लेके आया हूँ। एक पति था, वो अपने मैरिज सर्टिफिकेट बहुत गौर से देख रहा था। उसकी पत्नी ने देखा अचानक, कितनी गौर से क्या देख रहे हो आप इतनी देर से? तो बोल रहे हैं, कुछ नहीं जी, एक्सपायरी डेट देख रहा था, ये सालों ने लिखी नहीं है। टीचर ने पप्पू से पूछा, ए बी सी डी सुनाओ। तो पप्पू ने सुनाया, ए बी सी डी ई एच आई। तो टीचर ने कहा, जी एफ कहाँ है? तो पप्पू बोला, सर वो तो मेरी किस्मत में है ही नहीं, तो सुनाऊंगा क्या। दोस्तों, पत्थर की कीमत तो यूँ समझ में नहीं आती है, और पत्थर की कीमत तभी समझ में आती है जब आप रास्ते में खड़े हों और चार कुत्ते आपको घेर लें और भौंक रहे हों, तब उसकी कीमत समझ में आती है कि पत्थर की कीमत क्या है। आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको एक सलाह है कि सदा मुस्कराते रहो, हंसते रहो, गुनगुनाते रहो, क्या पता कब शादी हो जाए। दोस्तों, ज़्यादातर तो लड़के वैलेंटाइन डे के दिन प्रपोज़ करते हैं लड़कियों को, लेकिन मेरी सलाह है कि आप 1 अप्रैल को प्रपोज़ किया करें। मान गई तो कूल, नहीं तो अप्रैल फूल। कुछ लड़कियां तो इतना लिपस्टिक लगाती हैं कि ताजमहल को चूम ले तो लाल किला बन जाए। एक ताज़ा रिसर्च हुआ, उसमें पता चला कि पत्नियां अपने बच्चों को बहुत तेज क्यों डांटती हैं। बहुत तेज इसलिए डांटती हैं ताकि पतियों के बीच उनका खौफ बना रहे। दोस्तों, शादी में घूंघट क्यों डालते हैं? तो कुछ लड़कों ने बोला, शादी में इसलिए घूंघट डालते हैं कि कहीं शक्ल देख के कोई ये ना बोल दे, ओई ये तो मेरी वाली ही है। एक छोटा बच्चा थाने में रोज पट्टी करके चला जाता था। एक दिन पुलिस वालों ने उसको पकड़ के उठा के ले जाने लगे तो बच्चा चिल्ला के बोलता है, अरे कानून के रखवालों, सबूत तो उठा लो। पड़ोस वाली धमकी देकर गई कि दम हो तो अकेले में मिलना। अब समझ में नहीं आता है कि धमकी दे गई कि ऑफर। इंटरव्यू ले जाने पूछा, कहाँ से हो भाई? तो लड़के ने तपाक से जवाब दिया, कानपुर से हूँ। अरे तो फिर इंटरव्यू छोड़ो, हम भी कानपुर से ही हैं, कमला पसंद हो तो खिलाओ। एक शराबी मरने के बाद स्वर्ग पहुँचा तो यमराज से बोला, सर मैं तो ज़िंदगी भर दारू पीता रहा, मैंने ऐसे कौन से कर्म कर दिए जो मुझे स्वर्ग मिला? बोले, तो दारू पी के जो रात को सिर्फ मूँगफलियाँ खा के सो जाता था, उसको टेक्निकली उपवास बोलते हैं, वही तेरा कर्म तुझे स्वर्ग लेके आया है। अध्यापक ने एक बच्चे से पूछा, बेटा बताओ घर की परिभाषा क्या है? तो रमेश ने कहा, सर घर हौसलों से बनाए जाते हैं, उसे हाउस कहते हैं। जिन घरों में हवन ज़्यादा होते हैं उसे हवेली कहते हैं, और जिन घरों में हवा ज़्यादा होती है उसे हवेली कहते हैं, और जिन घरों में हवन ज़्यादा होते हैं उन्हें होम कहते हैं। जिन घरों के दीवारों में कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं, और जिन घरों में लोन की किस्त घर भरते भरते आदमी लेट हो जाता है उसे फ्लैट कहते हैं, और जिन घरों को ये अभी पता ना हो कि बगल में कौन रहता है उसे बंगला कहते हैं। अध्यापक अभी तक ICU में है। आजकल फाइलों की ऑफिस में सरकारी फाइलों बिना पैसे लेन देने का काम होता नहीं। एक ठेकेदार को काम आया, कुछ अपना फाइल साइन अप्रूव करवाना था तो ये क्लर्क को दिया। क्लर्क से पैसे वगैरह की सब बात हो जाने के बाद क्लर्क ने साहब को फाइल दी तो साहब ने उस पर अप्रूव्ड लिख दिया। तो जैसे ही अप्रूव लिखा तो ठेकेदार ने बोला, पैसे तो नहीं दूंगा मैं। तो बोला, एक मिनट रुको। फिर से पेपर ले गया और साहब ने फिर उस पर लिख दिया, नॉट अप्रूव्ड, NOT, नॉट अप्रूव्ड। फिर आया, फिर उसने गिड़गिड़ाया, कर दो यार पैसे। फिर उसने पैसे दे दिया
बोले अब मैं फिर वो लेके गया फाइल, सिर्फ नॉट में ई और लगा दिया, उसमें हो गया नोट अप्रूव्ड। तो इस तरीक़ों से हमारे ऑफिसों में काम होता है, काम कराने में तो माहिर होते हैं, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जोक्स, आपको कैसे पसंद आए या नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप सजेशन दे सकते हैं कि और किस तरीके से हम अपने चैनल्स को इम्प्रूव करें। थैंक्स वेरी मच फॉर बीइंग विद माय चैनल, थैंक यू वेरी मच।